हेलो भाइयों, एशिया कप का फाइनल मैच है, ग्रुप स्टेज मैच का। इसके बाद सुपर फोर के टीम सिलेक्शन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैच नंबर 6 है एशिया कप का, ओडीआई मैच, और अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच ये मैच खेला जाएगा। तो भाई मेरे A to Z एनालिसिस मिलेगा आपको, पिच रिपोर्ट, टीम न्यूज क्या है, हेड टू हेड क्या है, और प्लेयर्स ड्रीम इलेवन में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए ड्रीम इलेवन में पूरा एनालिसिस मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और प्रिडिक्शन से रिलेटेड आपको मिलेगा, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे भी सारे अपडेट मिलने वाले हैं इस वीडियो में। बात करेंगे अफगानिस्तान, लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हार के आ रही है और 300 प्लस टारगेट था जो कि चेस नहीं कर पाए थे। और ऑलमोस्ट आपको सिनारियो भी बताऊंगा, अफगानिस्तान का क्वालिफिकेशन सिनारियो क्या है इस मैच में अगर जीतती भी है तो। श्रीलंका वही बात करें, बांग्लादेश को मैच में हरा के काफी प्लस पॉइंट में है और क्वालिफाई रेस में बहुत आगे बढ़ चुकी है बांग्लादेश और श्रीलंका ग्रुप बी में। वही बात करके ये मैच 5 सितंबर ट्यूजडे को खेला जाएगा 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा मैच है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेज B2 का, यानी कि इस टीम में जो पॉइंट टेबल में सेकेंड नंबर पर रहेगी उसके साथ यहाँ लाहौर में मैच खेला जाएगा। बात करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल का दिया गया है, विक्रम बजेटिया मैं बोल रहा हूँ, और विक्रम बजेटिया नाम से टेलीग्राम चैनल है प्रेडिक्शंस के नाम से, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। आपको ये मैच आपको बहुत शानदार अच्छा कराया जाएगा, वहां पे ओपन कराया जाएगा। व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैच सेशन ओडीआई में जैसा कि जानते हो सेशन इंपॉर्टेंट रहता है, तो सेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, 10 मैच में से 3 अफगानिस्तान ने जीता है, 6 श्रीलंका ने जीता है। अभी रिसेंट में 2023 जून में हुआ था, 2023 में जो कि 2-1 से श्रीलंका ने सीरीज जीता था। एक मैच तो स्टार्टिंग का मैच श्रीलंका हारी थी जो कि 268 चेस किया था, जो कि अफगानिस्तान ने चेस किया था, श्रीलंका में ही मैच हुआ था। बाकी उसके बाद 2 श्रीलंका ने काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक करके सीरीज जीत लिया था। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप में 5वीं बार ये भिड़ने वाली है, 4 बार ऑलरेडी खेल चुकी है जिसमें से 2 बार श्रीलंका और 2 बार अफगानिस्तान ने मैच जीता है। बात करेंगे मुल्तान में पहली बार दोनों टीम खेलने वाली है, दोनों टीम फेस करने वाली है एक दूसरे के अगेंस्ट। रिसेंट फॉर्म अफगानिस्तान का बहुत बैड चल रहा है, लास्ट 5 मैच हार के आ रही है, एक तो मैच बांग्लादेश से सीरीज जीतने के बाद जो कि लास्ट मैच था वो हारी थी, उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान से श्रीलंका में मैच खेली वो सीरीज हारी, 3 मैच से तीनों मैच हार चुकी और लास्ट मैच अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार के आ रही है। वही श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका कंटिन्यू जीतते आ रही है और यहाँ पे देख सकते हो श्रीलंका ने लास्ट ओडीआई मैच 4 लास्ट ओडीआई क्वालिफायर मैच खेला था, तो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच, तो 4 मैच जीते थे। वही लास्ट मैच जैसा कि मालूम है आपको बांग्लादेश से जीत के आ रही है। अब हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट, देखो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का स्टेडियम है और काफी इंपॉर्टेंट है पिच जानना आपके लिए, मैच कैसे होंगे। लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा पिच के बारे में जो बोला था वही हुआ था, आपको बता दिया था 300 प्लस स्कोर यहाँ पे लगेगा तो डिफेंड के चांस बढ़ेगा, काफी बैटिंग फ्रेंडली पिच है। सेम कंडीशन इस मैच में भी रहने वाला है, 64 में से 33 फर्स्ट बैट और 33 सेकेंड बैट, 250 से 70 तक चेसेबल स्कोर इस पिच पे देखा जाएगा, उसके बाद 300 प्लस स्कोर लगते हैं, 290 भी स्कोर प्लस लग जाएगा, यहाँ पे डिफेंड के चांस बढ़ जाएंगे। 252 का एवरेज स्कोर इस पिच पे 375 पाकिस्तान ने बनाया है बिलो 211 मैचों में, 200 से 249 20 मैचों में, 250 से 299 22 मैचों में, अबव 312 मैचों में स्कोर लगे हैं। काफी बैटिंग फ्रेंडली पिच है देखने को मिल रहा है, पेस को काफी मदद मिल रहा है। लास्ट मैच आपको याद होगा, लास्ट मैच यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान का मैच खेला गया था जिसमें देख सकते हो स्पिनर को विकेट ही नहीं मिला, स्पिनर को मात्र 1 रन मुजीब को मिला, बाकी राशिद खान काफी यहाँ पे इकोनॉमिकल हाई रहे, साकिब अल हसन हाई रहे, मिराज को भी, मेहदी हसन मिराज को भी नहीं मिला। टॉस विनर डेफिनेटली फर्स्ट बैट की तरफ रुक करके, और जैसा कि प्रेशर के मैं 300 प्लस स्कोर अगर दे दे यहाँ पे टारगेट तो डिफेंड कराना बहुत आसान हो जाएगा, इजी स्कोर है बैट करना यहाँ पे काफी, मतलब एज कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में बैट करना काफी आसान है इस पिच पे, और सेकेंड इनिंग में डिफेंड कराना बहुत आसान होगा, 280 प्लस स्कोर यहाँ पे डिफेंडेबल होगा, ध्यान में रखिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा। प्लेइंग इलेवन आपको कुछ चेंजेस देखे, अफगानिस्तान ऑलरेडी अपने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर यूज कर चुकी है तो कोई चेंजेस, हाँ नजबुल्ला जार्डन का भी, मतलब समझिए कि जैसा नजबुल्ला जार्डन इंडिया की तरफ से स्काई है सूर्य कुमार यादव है, वैसा है नजबुल्ला जार्डन, T20 में काफी अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन ODI में अभी फ्लॉप रहा है, कुछ मैच भी इनके रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहे हैं।
प्लेइंग 11 गुरबाज इब्राहिम जाडर अहमद शाह और हसमतुल्लाह शाहिदी जो कि कैप्टन है, नजबुल्ला जाडा मोहम्मद नाबी गुलबुद्दीन नायब करीम जन्नत राशिद खान फजलुका फारूकी मुजीबुर्रहमान प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेंगे। श्रीलंका के पटुम निशंका दुमुत करुणारत्ने कुशाल मेंडी सम विक्रमा और चरित तथलंका डिसिल्वा धनंजय डिसिल्वा धनुष सेना का कैप्टन दुनित विलियम्स महेश तिक्साना रजिता और महेश मतीसा पतिराना ये आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेंगे। टीम न्यूज देखो, जैसा कि जानते हो नजबुल्ला जाडन के जगह पे एक बैट्समैन यहाँ पे जो कि रिप्लेस कर सकता है। अब देखो अफगानिस्तान के पास क्या ऑप्शन आते हैं, उसी के हिसाब से अपना रिप्लेस करेगा। श्रीलंका काफी मतलब लास्ट मैच जीत के आ रही है तो विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करने वाली नहीं है इस मैच में। अफगानिस्तान का विनिंग सिनेरियो क्या है ये जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अफगानिस्तान जीतती है तभी क्वालिफाई करेगी और वो क्या मार्जिन रहेगा जीतने के लिए। बात करेंगे श्रीलंका अगर फर्स्ट बैट पे आती है, देखो श्रीलंका फर्स्ट बैट पे आता है अफगानिस्तान को और श्रीलंका 300 प्लस स्कोर भी बना देती है, 300 के आसपास स्कोर भी बना देती है। अफगानिस्तान को जरूरी है कि 19 ओवर में स्कोर 600, तो काफी ये टफ सिचुएशन है फर्स्ट बैट पे श्रीलंका आते हैं। सेकेंड बैट पे भी अगर श्रीलंका आती है तब भी इनके लिए टफ कंडीशन। अगर अफगानिस्तान फर्स्ट बैट करके 300 स्कोर बनाती है, मान लो 300 स्कोर उन्हें 127 रन से जीतना है क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका अगर मैच जीती है, तो ये भी दोनों काफी डिफिकल्ट सिनारियो है और जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका ग्रुप बी से क्वालिफाई करते हुए आसानी से नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट मैच इनको बहुत नुकसान देखे गई है बांग्लादेश के अगेंस्ट श्रीलंका का मैच, बांग्लादेश के अगेंस्ट अफगानिस्तान का मैच। फैंटेसी पिक जो कि आपको यहां पे बताऊंगा, जो ड्रीम इलेवन में इंटरेस्टेड है वो ड्रीम इलेवन टीम बना लीजिएगा। बाकी मैं अपडेट में अपने टेलीग्राम पे फैंटेसी गुरु अन्ना के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूं तो ज्वाइन कीजिए। अफगानिस्तान के विकेट कीपर में देख सकते हो गुरबाज 1-5-151-18-19 लास्ट इनका स्कोर रहा है। और ये टीम गुरबाज अफगानिस्तान की तरफ से चेस पे काफी फ्लॉप रहे हैं, यानी कि चेस करते हुए ये जिता नहीं पाते हैं टीम को। वही बात करते हैं कुशल मेंडिस की, कुशल मेंडिस भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं अभी तक। देख सकते हो एक लास्ट मतलब 6-7 मैचों में 49 रन ही बना पाए हैं। तो विकेट कीपर में दो ऑप्शन है, कुशल मेंडिस या गुरबाज, दोनों में से आप अगर देखा जाए अगर गुरबाज फर्स्ट दोनों टीम का जो भी फर्स्ट बैट पे आएगा उसका बैट्समैन लेके चलिएगा, ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका के बैटिंग फॉर्म के देखे कौन कौन से आप ले सकते हो, इब्राहिम जाडे रहमत शाहिदी और नजबुल्ला जाडे। नजबुल्ला जॉर्डन तो काफी मतलब ओडीआई में फ्लॉप रहा है, बाकी इस पिच पे इब्राहिम जाडे का अच्छा रिकॉर्ड है, 75 बनाया है और रहमत शाह यहाँ पे 33 बनाया है और हसमतुल्ला शाहिदी 51 बनाया है। और टीम परफॉर्मेंस हसमतुल्ला शाहिदी लास्ट मैच में 51 रन बनाए थे और अगेंस्ट 108 मैचों में 174 रन बनाया है और इब्राहिम जाडे 4 मैचों में 452 रन बनाया है और इनके अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट। वही बात करें नजबुल्ला जाडे 10 मैचों में 220 मैच रन बनाए हैं। अफगानिस्तान की बॉलिंग की अगर देखे और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नाबी के ले सकते हो, गुलबुद्दीन नायब और राशिद खान फजलुका फारूकी, ये चार ऑप्शन में देखो 10 मैच में 191 रन 11 विकेट लिया है। गुलबुद्दीन ने 6 मैचों में 83 रन 6 विकेट लिया है। राशिद खान 1 मैचों में 9 विकेट लिया है और फजलुका 6 विकेट में 6। इस वेन्यू पे काफी खराब रिकॉर्ड है राशिद खान और फजलुका फारूकी को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है। श्रीलंका के बैटिंग देखे, श्रीलंका में कौन कौन से प्लेयर पिक करने वाले लायक है, पटुम निशंका 6 मैच में 225 इनके अगेंस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट, करुणारत्ने 5 मैचों में 165 रन, सम विक्रमा और 2 मैचों में 44 रन, श्रीलंका 6 मैचों में 190 रन, वह डी सिल्वा की बात करें 8 मैचों में 124 रन 5 विकेट लिया है। धनुष सेना का 7 मैचों में 89 रन बनाया है 1 विकेट लिया है। तिक्साना 5 मैचों में 5 विकेट लिया है इनके अगेंस्ट, सारे अगेंस्ट मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। कुशल रजिता 5 मैचों में 9 विकेट। तो प्लेइंग 11 आप ले सकते हो, रजिता अच्छा फॉर्म में है, धनुष सेना का अच्छे फॉर्म में है, धनंजय डी सिल्वा पठुम निशंका और दुमित करुणारत्ने सम विक्रमा, ये सब प्लेयर अपने टीम में पिक कर सकते हो, अफगानिस्तान का बताई दिया। तो काफी यहाँ पे आपको बेनिफिशियल वर्क बताया गया है, काम बताया गया भाई मेरे। आपको कुछ भी अपडेट चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मैच रिलेटेड सेशन रिलेटेड कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। डी मिलियन के लिए तो मैं अपडेट दे दूंगा, विक्रम बजट नाम से टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिए और एक बार काम चेक कीजिए भाई मेरे, काफी अच्छा काम 100% के साथ श्योर काम दिया जाता है। वीडियो चलो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।